ओके जी, जो एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको फिंगर टिप्स यानी चाहिए वो ये है। टाइप वन के लिए इंसुलिन, टाइप टू के लिए हमने ओरल एंटी डायूरेटिक देनी है, फिर प्रेग्नेंट डायबिटीज़ में हम दे सकते हैं ठीक है, और ओरल एंटीबायोटिक विद मेजर एडवर्स इफेक्ट सल्फोनाइल यूरिया ठीक होगा। एंटी डायबिटिक ड्रग एंड न्यूक्लियर लेवल इन वन फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्रोटीन फॉर्मेटाइल दोनों का एक्रो वो हो गया ठीक हो गया। उसके बाद मोनोसैकेराइड हम प्रेफर करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में, और एंटीडोट फॉर बीटा ब्लॉकर गैंग्लियन ब्लॉक करें ठीक है, और थायोमाइड थायोडीन प्रेगनेंसी में प्रोपाइल थायरोयूरासिल जो होता है ना वो थायरोटॉक्सिक। अच्छा ये थायराइड स्टॉम के अंदर हमने आयोडाइड प्रोपेनोलोल देना जो बीटा ब्लॉकर है ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस या थायराइड स्टॉम के अंदर आयोडाइड प्रोपेनोलोल। जबकि अगर सिर्फ वेस्कुलरिटी के ऊपर रिड्यूस करवाना हो ना तो हमने सिर्फ आयोडीन देनी है। फिर अगर हमारे पास परमानेंट क्योर ऑफ थर्ड रेडियो एक्टिव दे दो चुप करके ठीक है, अगर परमानेंट करवानी है तो रेडियो एक्टिव, अगर वेस्कुलर करवानी है तो सिर्फ आयोडीन, अगर थायरोटॉक्सिकोसिस है तो आयोडाइड प्रोपेनोलोल हो गया। लियोप्रोलाइड जो होता है ना वो हमारे पास क्या करता है, ये इनफर्टिलिटी को ट्रीटमेंट करने के लिए एल ठीक है, ड्रग फॉर पिट्यूटरी ट्यूमर के लिए हम ऑक्टिरोलाइड देते हैं, ओ ओ हो पिट्यूटरी के लिए ऑक्टिरोलाइड ठीक है। फिर मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉर्टिकोस्टीरॉइड डेक्सामेथासोन, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। कम्बिनेशन और रिप्लेसमेंट थेरापी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड प्रॉब्लम में कम्बिनेशन दी कॉर्टिकोस्टीरॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। क्लोमीफीन जो होती है ना वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर के ऊपर इन पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट कर देती है ठीक है, क्लोमीफीन ये वो है ना कॉन्ट्रासेप्टिव है ठीक है मेडिसिन के अंदर। डाइथाइल सिल्बेंडाजोल जो होता है ना वो एड्रिनल एड्रिनल कार्सिनोमा करवा रहा है डॉटर ऑफ द मदर, और फेनाडोल 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिट कीटोकैनाजोल इनहिबिट कर रहा है सिंथेसिस ऑफ द स्टीराइड। कैनाजोल जो है ना वो ये क्या है एंटीफंगल है ना, तो ये स्टीराइड तो किडनी के ऊपर एक्ट करती है एंटीफंगल सारे के सारे। इसके अलावा जो 20 फॉस्फोनेट है वो एसोफेजाइटिस करवा रहा है और ये सारे का सारा गा रहा है। तो यार इसका एक स्क्रीनशॉट मारो ना जल्दी से, एंडो ये वाला, ये मैंने फोकस कर दिया इसको ठीक है, तो बस थोड़ा सा रह गया, परेशान नहीं होना, इसको मैं बस अपलोड कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता जितना मुझसे हो रहा है। स्कैनिंग में थोड़ा सा मसला आ रहा है, पता नहीं क्यों, कैम स्कैनर मेरा ठीक चल नहीं रहा, लेकिन हो जाएगा सारे अपलोड आज इंशाल्लाह।